हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई रिसर्च बाय सोनू सर में। आईटीआई बिल्डर ट्रेड से रिलेटेड सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह जो प्रश्न है आपका आईटीआई भारत स्किल से लिए गए हैं, जो कि आईटीआई सीबीटी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। यह जो वीडियो है पूरा शॉर्ट तरीके से बताया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी आप पूरा क्वेश्चन को देख सके दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न दिया गया है, एसी ट्रांसफार्मर बिल्डिंग के लिए कितने वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 80 से 100 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न दिया गया है, सोल्डरिंग आयरन की टिप होती है, तो सोल्डरिंग आयरन की टिप होती है कापर की। इसका राइट आंसर होगा आपका कापर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस विधि में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है? तो मेटल इनर्ट गैस बेल्डिंग में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑक्सी एसिटिलीन बेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग करते हैं? तो इसमें गैस, यह जो गैस होता है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का अधिकतम तापक्रम कितना होता है? तो इसका जो अधिक तापक्रम होता है आपका 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का दूसरा नाम क्या है? तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का दूसरा नाम रिड्यूसिंग फ्लेम है। अगला प्रश्न दिया गया है, ज्वाला से पीट पीट की आवाज आना कौन सा दोष है? तो ज्वाला से जो पीट पीट की आवाज आती है उसे पोपिंग कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रेजिस्टेंस को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसे नापने के लिए ओम मीटर और मैगर का दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रक्रिया में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो प्लास्टिक बेल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आईएस के अनुसार इलेक्ट्रोड का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रथम अंक आपका फ्लक्स के प्रकार को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बेस मेटल या पूरक धातु को एक साथ पिघलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे फ्यूजन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला वेल्डिंग सेट क्या कहलाता है? तो यह सभी वेल्डिंग सेट कहलाते हैं, जिसमें कि आपका दिया गया है डीसी जनरेटर, एसी रेक्टिफायर और डीसी रेक्टिफायर। अगला प्रश्न दिया गया है, मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए जॉब को वेल्ड करने से पहले कितने तापमान तक प्री हीटिंग करना चाहिए? तो इसे 150 से 250 डिग्री सेल्सियस तक प्री हीटिंग करनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग उपकरण है? तो इनमें से सभी वेल्डिंग उपकरण हैं। इसमें दिया गया है आपका स्टील रूल, हथौड़ा और ट्राई स्क्वायर। अगला प्रश्न दिया गया है, एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए निम्न विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह सभी विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि दिया गया है आपका ऑक्सी एसिटिलीन बेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस बेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस बेल्डिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, वेल्डन धातु खंडों को जोड़ने की निम्न में से कौन सी विधि है? तो यह आपका स्थायी विधि है। अगला प्रश्न दिया गया है, कटिंग ब्लो टार्च में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें शुद्ध ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न दिया गया है, किस विधि द्वारा फेरस तथा नॉन फेरस धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसे मिग वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड पर किसकी कोटिंग नहीं होती है? तो इसमें आपका चूना और टिटेनियम, ये दोनों है जो कि इसका कोटिंग नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में जोड़ी जाने वाली सतहों के बीच की दूरी कितने मिलीमीटर होती है? तो आपका यहाँ पर 0.050 से लेकर के 0.075 तक होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत आर्क। अगला प्रश्न दिया गया है, दांतों की संख्या के आधार पर रेतियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका यहाँ पर दांतों के संख्या के आधार पर यहाँ पर ये सभी आपके जो हैं राइट आंसर हो जाएंगे, रफ, कोर्स और बास्टर्ड, ये सभी जो हैं दांतों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, बेस मेटल व वेल्ड मेटल में असमानता होना कौन सा दोष होता है? तो इससे आपका धातु का कंपिगलना, यह आपका दोष उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए किस फ्लेम का प्रयोग करना चाहिए? तो गैस कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए आपका रिड्यूमिंग फ्लेम का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, कास्ट आयरन, तांबा और एल्युमिनियम आदि को किस विधि से जोड़ा जाता है? तो इसे कार्बन आर्क वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बिट के प्रकार, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, समतल, उत्तल और अवतल, ये सभी आपके राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, रिवेटन तथा झालंग के जोड़ किस प्रकार के जोड़ हैं? तो यह जो आपके जोड़ होते हैं अस्थाई जोड़ होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वेल्ड मेटल में छिद्र बनना कौन सा दोष कहलाता है? तो इसे हम वेल्डिंग बिट में छिद्र हो जाना बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वेल्डिंग में धातु के किनारे पिघलाए नहीं जाते? तो किस वेल्डिंग में धातु के किनारे पिघलाए नहीं जाते हैं? तो इसे प्रतिरोध वेल्डिंग कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में बने आर्क का तापमान कितना होता है? तो 3600 डिग्री सेल्सियस आर्क वेल्डिंग में इसका तापमान होता है। अगला प्रश्न है, स्पॉट वेल्डिंग निम्न में से किस प्रकार की वेल्डिंग है? तो यह एक प्रकार का प्रेशर वेल्डिंग है। अगला प्रश्न है, बॉल पिन हैमर का प्रयोग होता है? तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग गोलाकार सतहों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रोड लाइट कोटिंग में किस पदार्थ का मुख्य रूप से वाइंडर का कार्य होता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका यहाँ पर सोडियम सिलिकेट और पोटेशियम सिलिकेट, इन दोनों का मुख्य रूप से कार्य होता है।